हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले कि BCA और BBA CA में क्या फर्क होता है और आप कौन सा करें, विच इज बेटर, तो यही आज देखने वाले। तो चलिए देखते हैं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके फुल फॉर्म। तो जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे हम BCA कहते हैं, और जो BBA CA है उसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये फुल फॉर्म है इन दोनों के। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बोतार सेम, तो जो BCA है और BBA CA तो दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि जो BBA CA इसे ही पहले हम BCA नाम से जानते थे। मतलब क्या हुआ है, कुछ जगह पे BCA को ही अब BBA CA कह रहे हैं, तो ये दोनों एक ही है, इनमें कंफ्यूज मत होना। जैसे BSc कंप्यूटर साइंस और BCS एक ही है, ऐसे ही है BCA और BBA CA दोनों एक ही है। और जो एलिजिबिलिटी है दोनों के लिए, तो दोनों के लिए भी 12th पास होना जरूरी है, किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट साइंस कॉमर्स, तो चल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा। और एडमिशन इंस्टीट्यूट लेवल पे होते, मतलब आपको वहां जाके उनके फॉर्म भरने पड़ेंगे, फिजिकल फॉर्म। और इसमें आपको जो बिजनेस और कंप्यूटर दोनों को नॉलेज दिया जाता है, वो भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में नॉलेज दिया जाता है आपको। और जो इसके बाद आप है तो IT सेक्टर में आसानी से जॉब कर सकोगे इस कोर्स के बाद।